गांदरबल के पाहिलपोरा सफापोरा के निवासियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जिस स्थान पर खदानों का पुनर्वास किया गया है वहां पत्थर न मिलने के कारण जो है इन्हें काफी ज्यादा मुश्किल आ रही है और ये भूमि जो है साफ तौर पर चरागाह का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पास की साइट पर हमारे पास उसी क्षेत्र में एक स्थान है जहां पत्थर खदान जो है धारक अच्छी कमाई कर सकते हैं उनके जीवन के लिए और साथ ही साथ जो है कई सारी वहां पर उपलब्धियां मिल सकती हैं। उन्होंने डीसी गांदरबल से अनुरोध किया है कि उक्त स्थान को पास के स्थान पर बदल दिया जाए और जहां पर पत्थर उपलब्ध है। इस बीच पंचायत हल्का पल्लेपोरा सफापोरा के पीआईआर ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। अब देखना ये होगा कि क्या इस विरोध प्रदर्शन के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या नहीं। सर, मेरा नाम परवेज अहमद मलिक है और मैं पल्लेपोरा का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि मसला क्या है। मसला यह है, हम सबसे पहले डीसी साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, तहसीलदार साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है और हमारे कंसर्न एसएचओ साहब के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। वो इस लैंड पे आ गए, उन्होंने इस लैंड को देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ पे वाकई में लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैंने खुद पीजी किया है, मेरे पास इस वक्त तकरीबन 200 के करीब बेड है और यहाँ पे मेरा एक भाई है जिसने पोल्ट्री फार्म बना लिया है, यहाँ पे दूसरा मेरा भाई है जिसने शीप फार्म बना लिया है। हमने ये छोटे छोटे बिजनेस जो है एस्टेब्लिश किए हैं लोन निकाल कर। लेकिन अब बोला जा रहा है कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो इन्होंने बना ली है कि अब हम उनको रिहैबिलिटेशन के नाम पर यहाँ पे लैंड दे रहे हैं। वो लोग यहाँ पे आए, डीसी साहब आए, उन्होंने हमें एश्योर किया कि हम आपके साथ इंसाफ करेंगे और हम इंशाअल्लाह रहमान ये पूरे तरीके से हम लोगों को यकीन है, उम्मीद है कि डीसी साहब हमारे साथ इंसाफ करेंगे। जब वो यहाँ पे आ गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं आपकी वसातत से, आपके चैनल की वसातत से आपके कैमरामैन को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो ये सारी व्यूज इनको दिखा दीजिए कि यहाँ पे पत्थर कहाँ है, यहाँ पे ग्रेजिंग लैंड है, हमारे बेड़ है, हमारे यहाँ पे पोल्ट्रीज है, हमारे यहाँ पे शीप फार्म है। अगर हम लोग ने लोन निकाले हैं, छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स जो हमने एस्टेब्लिश किए हैं, तो इसी लैंड को लेकर ये ग्रेजिंग लैंड है, तो हम आप हमें बता दीजिए कि हमारे साथ ये कौन सी नाइंसाफी हो रही है कि कहाँ हम अपने उन बेड़ों को ले जाए। अब हम यही चाहते हैं कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के खिलाफ हम नहीं है, हम कहते हैं कि जो डीसी साहब ने या कोर्ट ने इन्हें ऑर्डर दिया है, हम कहते हैं कि इस जमीन को शिफ्ट करें, उस जगह पे ले जाए जो कि फॉल होती है पल्लेपोरा में ही। तो वहां पे ना तो पंचायत का कोई एतराज है, ना ही मस्जिद कमेटी का कोई एतराज है और ना ही लोगों का कोई एतराज है। वहां पे सारे लोग खुश है। हम चाहते हैं कि डीसी साहब इस मामले में खुद इंटरवेंट करें, खुद देखें और ये हमें आश्वासन दे कि वो हमारे साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे। हम पुरजोर अपील करते हैं डीसी साहब को, वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो पूरी तरीके से इंटरवेंट करें और हमें जो हमारा खदशा है कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, जो जानवर माल का खतरा है, उस खतरे से हमें मेहरबानी करके पूरे तरीके से हमें बचा लें। जी, मेरा नाम तारिक अहमद भट्ट है, मैं डिप्टी सरपंच पल्लेपोरा ए सफापोरा का हूँ। मसला ये है कि आप सभी इस बात से बाखबर है कि स्टोन कोरी का जो मसला है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी स्टोन कॉरीज के लिए बनाई गई है, स्टोन कॉरीज को शिफ्ट किया जा रहा है हमारे इलाके में पल्लेपोरा में, जो हमारे पंचायत में फॉल होता है। तो इसके खिलाफ पंचायत ने कभी रजिस्टर नहीं किया कि रिहैबिलिटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन पंचायत का डे फर्स्ट से यही रोल रहा। डी साहब को हमने, मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि डी साहब को हमने एज ए पंचायत बीडीसी साहब भी कि नोटिस में उसने भी इसमें साइन किए हैं, अपने जो दस्तखत कलमबद्ध किए हैं, बीडीसी साहब ने भी कलमबद्ध किए हैं। तो हमने डी साहब को एक रिक्वेस्ट की थी, एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि आप इस साइट को चेंज कीजिए, इस साइट को किसी मौजूद जगह ले लीजिए हमारे हल्के में ही, जो फिजिबल जगह हो, जहां जान व माल का खतरा ना हो। मैं आपको यहाँ पे, अगर आपके कैमरामैन को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये एरिया है ये ग्रेजिंग लैंड है, यहाँ पे हमें लोगों ने ये खदशा जाहिर किया कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। तो लोगों की तवक्कुत पंच सरपंच पे ही होती है, लोगों ने हमें ही चुना है। आपको मैं ये भी बताना यहाँ पे चाहूंगा कि कल से एक न्यूज गश्त कर रही थी जिसमें ये बोला गया था कि ऑल पीआरआई जो है वो रिजिग्नेशन करने जा रहे हैं। ये हमारे वो कागजात हैं रिजिग्नेशन के कि हम आज ही जा रहे थे रिजिग्नेशन देने के लिए डिप्टी कमिश्नर गांदरबल साहब को इस बारे में, क्योंकि हमें अब टारगेट बनाया जा रहा है, हमें प्रेशर आ रहा है लोगों की तरफ से भी कि
आप जनाब लीशान इसको मत करने दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं ना इसको हम करेंगे, तो और पिस रहा है वहाँ पे पंच सरपंच। तो हमने इस बारे में यही सोचा था कि हम आज जाएंगे डिप्टी कमिश्नर साहब को हम अपना रिजिग्नेशन पेश करेंगे, लेकिन आज जुमा नमाज के बाद लोगों की कसीर तादाद हमारे घरों में आ गई, हमसे बोला गया कि फिलहाल आप रिजिग्नेशन मत दीजिए, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुद आइए, आप मुआवजा कीजिए, अगर आपको लगे ये फिजिबल जगह है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि हम तो लॉ नोइंग पर्सन है, हम तो कानून से ही बने हुए हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि यहाँ पे वाकई स्लाइड होने का खतरा है, जैसे कंगन में जेवर में वो स्लाइड आ गए थे, 10-15 मकान वहाँ पे खाकसर हो गए थे, अल्लाह बचाए ऐसा माहौल ना हो कि मेरे इलाके मेले पहरीपुरा में ऐसी कभी नौत आए। बाकी शुक्रिया। दी अर्थ न्यूज डेस्क के लिए गांधरबल से रईस शाह की रिपोर्ट।